स्टूडेंट्स, शिक्षण अभिरुचि परीक्षा में मैं अभिंद्र रंगा स्टूडेंट्स शिक्षण अभिरुचि परीक्षा के इस वीडियो में मैं अभिंद्र रंगा आपका स्वागत करता हूं। ये टेस्ट पेपर मैंने स्पेशल DSSSB यानी दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड CTET व अन्य राज्यों में ली जाने वाली टेट परीक्षाओं के लिए तैयार किया है, जो आगामी सभी संबंधित परीक्षाओं में आपके लिए उपयोगी साबित होगा। यदि आप इस प्रश्न पत्र के पहले 30 प्रश्नों को स्टडी करना चाहते हैं तो हमारे अभिंदर रंगा चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके लिए आपको YouTube पर अभिंदर रंगा लिखकर सर्च करना होगा। लेसन पर आगे आते हैं। देखिए, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो देखिए, संख्या, द्रव्यमान, संख्या और द्रव्यमान। तो इसका आंसर है सी, संख्या और द्रव्यमान। इन चाइल्डहुड द चाइल्ड नीड्स टू अंडरस्टैंड द चेंज इन द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ मटेरियल थिंग्स, नंबर, मास, नंबर एंड मास। नेक्स्ट है, रक्षा तंत्र अधिकतम सहायता करता है। रक्षा तंत्र दबाव से निपटने में सहायता करता है। आपको ये याद रखना है कि रक्षा तंत्र, डज द डिफेंस सिस्टम हेल्प मैक्सिमम हैंडलिंग प्रेशर, डी इसमें आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार घर है, निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? इदम एवं अहम, इदम, अहम, परम अहम। तो आपको पता होगा, जो ईगो होती है व्यक्ति के अंदर, उस ईगो में ऐसी इच्छाएं होती हैं जिनकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती। तो अहम इसका आंसर होगा। स्टोर द डिजायर्स विच आर नॉट फुलफिल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड सी, ईगो। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? तो पियाजे के अनुसार सामाजिक संचरण, सोशल ट्रांसमिशन बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। अकॉर्डिंग टू पियाजे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डिटरमिनिंग एलिमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, तो वो है सोशल ट्रांसमिशन। अगला है, प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्नलिखित में से क्या बेहतरीन है? प्रदर्शन, वीडियो अनुरूपण, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। तो आप समझ सकते हैं कि यही हमारा आंसर है। प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्नलिखित में से क्या बेहतरीन है? स्वयं करके अनुभव के द्वारा सीखना, यही जो है बेहतरीन है। Which of the following is the best for primary school children? तो self experience। Next है, मानव विकास किन के योगदान का परिणाम है? तो मानव विकास जो है वो वंशानुक्रम एवं वातावरण के योगदान का परिणाम है। Human development is the result of what contribution? Social and cultural फैक्टर, हमें ये समझना चाहिए। सी हमारा आंसर इसमें है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक गिलफर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समानार्थक के रूप में किया? तो वो होता है सर्जनात्मकता यानी क्रिएटिविटी। द फेमस साइकोलॉजिस्ट गिलफर्ड यूज द टर्म कन्वर्जेंट थिंकिंग एज द सिनोनियम ऑफ व्हाट? क्रिएटिविटी। तो आपको ये याद रखना चाहिए, सोच बोला जाता है इसको, सोच, अभिसारी चिंतन, सोच, व्यक्ति की सोच। अगला है, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन से तरीके अधिक महत्वपूर्ण हैं? आपको ये ध्यान से देखना है कि सह शिक्षा क्रियाएं, विद्यालय का वातावरण और अध्यापक की भूमिका, इच्छा और रुचियों की भिन्नता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखिए, सभी एक जैसे लगते हैं, जैसे सभी इसके आंसर हैं, लेकिन देखिए,
विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए तो विद्यालय का वातावरण और अध्यापक की भूमिका मेन होती है। Which of the following ways to maintain good mental health of students more important? The school environment and teacher's role. B इसमें आंसर होगा। विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से क्या अभिप्राय होता है? छात्रों में पर्यावरण का ज्ञान, छात्रों पर अतिरिक्त बोझ डालना तो ये तो होता ही नहीं है। छात्रों का मनोरंजन करना नहीं, ये भी नहीं होता। पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के उपाय करना तो पहला भी इसमें जचता है और चौथा भी जचता है। लेकिन सोचिए कि हम पर्यावरण शिक्षा देते क्यों हैं? ठीक है, छात्रों में पर्यावरण का ज्ञान ये तो ठीक है, लेकिन पर्यावरण शिक्षा इसलिए देते हैं ताकि हर व्यक्ति को, हर बच्चे को ये समझाया जा सके कि पर्यावरण को दूषित होने से बचाना एक व्यक्ति के लिए, एक मानव के लिए या जीवों के लिए कितना जरूरी है। तो इसलिए पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के उपाय ही हमारा इसमें आंसर है, क्योंकि हमें सर्वोत्तम आंसर ढूंढना है। What is meant by environmental education in the school? To protect the environment from contamination. तो डी इसमें आंसर हुआ। 6 से 14 वर्ष की आयु में बच्चे रुचि लेना आरंभ करते हैं, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चे किस बात में रुचि लेना आरंभ करते हैं? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो होते हैं वो पढ़ने में रुचि लेना आरंभ करते हैं। Do children start taking interest in the age of 6 to 14 years in reading? आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट है, समायोजन से क्या तात्पर्य है? स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूल व्यवहार करना ताकि संतुष्ट किया जा सके। किसको? उद्देश्यों को, प्रेरकों को, इच्छाओं को, इच्छा और एवं आवश्यकताओं को। तो डी इसमें आंसर होगा। एडजस्टमेंट मींस टू अडैप्ट इटसेल्फ टू डिफरेंट सिचुएशंस इन ऑर्डर टू बी सेटिस्फाइड टू बी डिजायर एंड डिजायर्स एंड रिक्वायरमेंट्स। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार करना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमें ऐसा लगता है जैसे उपरोक्त सभी यहाँ पर आंसर होगा, लेकिन नहीं। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार करना। डी इन द पर्पज ऑफ वर्बल रिसर्च इम्प्रूविंग स्कूल एंड क्लासरूम ऑफ एजुकेशनल वर्क। सी इसमें आंसर होगा। नेक्स्ट है, यदि पूरे समय तक बच्चों को स्कूल में शिक्षा कार्यक्रमों में पूरी तरह से व्यस्त रखा जाए तो आपके विचार में कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी? तो यहां देखिए, होमवर्क देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अनुशासनहीनता पैदा नहीं होगी, पढ़ने में की रुचि की कमी बच्चों में कभी नहीं होगी, छात्रों को कभी भी ट्यूशन की आवश्यकता नहीं होगी। तो देखिए, ये सभी ऐसी बातें लिखी हुई है, लेकिन यहाँ अनुशासनहीनता पैदा ही नहीं होगी। अगर बच्चा स्कूल में पूरे समय तक अध्यापकों के सामने रहेगा और स्कूली कार्यक्रमों में पूरी तरह से व्यस्त रहेगा तो उसमें अनुशासन पैदा होगा, अनुशासनहीनता उसमें कभी नहीं आएगी। इफ द चिल्ड्रन आर केप्ट फुल्ली एंगेज्ड इन एजुकेशन प्रोग्राम इन द स्कूल टिल फुल टाइम देन व्हाट प्रॉब्लम विल नॉट अराइज इन योर ओपिनियन? तो डिसिप्लिन विल नॉट अराइज। बी शिक्षक का वह गुण कौन सा है जो उसे अन्य व्यवस्थाओं से अलग करता है? तो अध्ययनशीलता। अध्यापक का सर्वोत्तम गुण यही है। भले ही पांच ऑप्शन में आपके सामने गुण अध्यापक के रखे हों, लेकिन अगर सर्वोत्तम गुण पूछा जाएगा तो आपको ये याद रखना है कि अध्यापक का सर्वोत्तम गुण है अध्ययनशीलता। वो हमेशा अध्ययन करता रहे, अपने विषय पर शोध करता रहे। तो बी यहां आंसर होगा। व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द टीचर हु सेपरेट व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द टीचर हु सेपरेट्स इट्स फ्रॉम अदर अरेंजमेंट्स? तो स्टडिंग यानी अध्ययनशीलता, अधिक से अधिक अपने विषय का अध्ययन करना, अपने विषय का ज्ञान। शिक्षा के क्षेत्र में आप योग्य व्यक्तियों को किस प्रकार से आने के लिए प्रेरित करेंगे? तो योग्यता अनुसार पद देकर, अच्छा वेतन प्रदान करके, प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देकर। तो यही इसमें देखिए, प्रोत्साहन और पुरस्कार के द्वारा किसी भी व्यक्ति को
अध्यापकीय व्यवसाय में आने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन हाउ डू यू मोटिवेट क्वालिफाइड पर्संस टू कम बाय प्रमोटिंग एंड अवार्डिंग सी इसमें हमारा आंसर होगा। वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा विद्यार्थियों के लिए लाभदायक है? प्रौद्योगिकी का ज्ञान देने वाली शिक्षा, नैतिक मूल्यों को प्रोत्साहन देने वाली शिक्षा, विशेषज्ञता प्रदान करने वाली शिक्षा, रोजगार प्रदान करने वाली व्यावसायिक शिक्षा। तो आपको याद रखना चाहिए कि ऐसी शिक्षा जो व्यवसाय भी प्रदान करे और साथ साथ शिक्षा भी व्यक्ति को मिले जो उसमें सामाजिक गुणों का विकास कर सके। तो रोजगार प्रदान करने वाली व्यावसायिक शिक्षा ही आधुनिक समय में विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा देने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो डी इसमें हमारा आंसर होगा। What kind of education is currently beneficial for students? Employment education, professional education. तो ये डी इसमें हमारा आंसर होगा। चिंतन शक्ति विकसित करने का सर्वोत्तम उपाय क्या हो सकता है? तो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं उपरोक्त सभी दिया हुआ है और यहाँ विद्यार्थियों को समस्या समाधान विधि द्वारा पढ़ाया जाए तो समस्या समाधान विधि तो अच्छी विधि है। छात्रों में स्वयं अध्ययन की आदत विकसित की जाए, ये सबसे ही बढ़िया है कि स्वयं अध्ययन की आदत छात्रों में विकसित करना जरूरी है। छात्रों में शोध पत्ति को विकसित किया जाए तो ये और भी बढ़िया है। तो उपरोक्त सभी यानी आंसर हमारा यही है। व्हाट इज द बेस्ट वे टू डेवलप कंटेम्पलेशन पावर? ऑल ऑफ द अबो इसमें हमारा आंसर होगा। स्टूडेंट्स, इन बिटवीन मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। आपको स्क्रीन पर हमारी वेबसाइट और हमारे चैनल्स के लिंक बार बार दिखाई दे रहे होंगे। हमारी वेबसाइट पर जाकर आप डेली करंट अफेयर्स, हर रोज का समसामयिक सामान्य ज्ञान, राज्यों से संबंधित सामान्य ज्ञान यानी सभी राज्यों से संबंधित जो सामान्य ज्ञान होता है वो भी उस पर अपडेट मिलेगा। सभी परीक्षाओं से संबंधित उपयोगी सामग्री और सभी जॉब्स के बारे में, किस पेपर की परीक्षा कब होगी और इसके अतिरिक्त अन्य उपयोगी जानकारी समय समय पर आप हमारी वेबसाइट पर प्राप्त कर सकते हैं। जल्द ही हम अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज भी शुरू करने जा रहे हैं। हमारे डॉक्टर दिलीप सिंह चैनल पर आप IAS से संबंधित उपयोगी सामग्री का अध्ययन कर सकते हैं। लेसन में आगे देखिए, बच्चों में मौलिक चिंतन की शक्ति स्वयं अध्ययन से विकसित होती है, अध्यापक द्वारा विकसित होती है, जन्मजात होती है, ए और बी दोनों। स्वयं अध्ययन द्वारा मौलिक चिंतन करने की शक्ति बच्चे में पैदा होती है, अध्यापक द्वारा विकसित की जा सकती है, ये बात भी सही होती है, जन्मजात होती है ये नहीं है। तो ए और बी दोनों, तो डी इसमें हमारा आंसर है। द पावर ऑफ फंडामेंटल थिंकिंग इन चिल्ड्रन डेवलप इटसेल्फ फ्रॉम स्टडी ए कैन बी डेवलप्ड बाई टीचर ए एंड बी बोथ दोनों। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक के रूप में आप बच्चे में किस भावना को बढ़ाने का प्रयास करेंगे? भेदभाव की भावना गलत, एक दूसरे की मदद करने की भावना ये तो अच्छी बात है, ईर्ष्या की भावना ये भी गलत है, जाति और धर्म के नाम पर कोई भेदभाव न रखने की भावना। तो देखिए सबसे उपयुक्त कौन सा है? यहाँ पर सबसे उपयुक्त है जाति और धर्म के नाम पर कोई भेदभाव न रखने की भावना, तो भेदभाव की भावना तो इसमें आएगी। तो देखिए सबसे उपयुक्त आंसर डी इसमें हमें प्राप्त होता है। इन व्हाट फॉर्म ऑफ ए टीचर विल यू ट्राई टू इंक्रीज द फीलिंग ऑफ चिल्ड्रन देन नो डिस्क्रिमिनेशन इन द नेम ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, डी इसमें हमारा आंसर होगा। देश की दिशा व दशा बदलने में आप किसकी महत्वपूर्ण भूमिका मानते हैं? शिक्षक तो केवल छात्रों की दिशा दशा बदल सकता है, शिक्षक केवल पढ़ा सकता है, उच्च विद्यालय के शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका इनमें से किसकी है? शिक्षक के शोध व रचनात्मक कार्यों की। देखिए अगर शिक्षक अपने विषय का और अधिक ज्ञान प्राप्त करता है, उस पर शोध करता है और रचनात्मक कार्यों को दुनिया के सामने लाकर रखता है तो स्पष्ट है देश की दिशा व दशा अपने आप ही बदल जाएगी। व्हाट डू यू कंसीडर टू बी द की रोल इन चेंजिंग द डायरेक्शन एंड स्टेट ऑफ द कंट्री? स्पष्ट है टीचर्स रिसर्च एंड क्रिएटिव वर्क।
हमारी शिक्षा प्रणाली के गिरते स्तर व उसमें सुधार न होने का कारण क्या है? तो देखिए, शिक्षा के प्रति सरकार की उदासीनता, योग्य अध्यापकों का चयन न होना, जिम्मेवारी की भावना का अभाव, उपरोक्त सभी। तो देखिए, शिक्षा के प्रति सरकार की उदासीनता, बिल्कुल सही बात है, योग्य अध्यापकों का चयन न होना और जिम्मेवारी की भावना का अभाव, तो ये उपरोक्त सभी हमारी शिक्षा प्रणाली के गिरते स्तर व उसमें सुधार न होने के कारण हैं। व्हाट इज द रीजन फॉर फॉलिंग स्टैंडर्ड ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम एंड इम्प्रूविंग इट? ऑल ऑफ द अबो। शिशु शिक्षा के संबंध में आपकी क्या धारणा है? शिशु शिक्षा की जिम्मेवारी माँ के ऊपर होनी चाहिए। शिशु शिक्षा छात्रावास में सर्वोत्तम होती है। स्त्रियां ही शिशु की सबसे अच्छी शिक्षक हो सकती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि शिशु की सबसे अच्छी शिक्षक माता हो सकती है। इसलिए ये सही बात है कि शिशु शिक्षा की जिम्मेवारी माँ के ऊपर होनी चाहिए। तो ए इसमें सबसे बेस्ट आंसर है कि शिशु शिक्षा की जिम्मेवारी माँ के ऊपर होनी चाहिए। What do you think of child education? The responsibility of child education should be on mother's side. जब बच्चा बिल्कुल छोटा सा होता है, शिशु अवस्था में होता है, तो माँ से अच्छी उसकी शिक्षा और रक्षा कोई नहीं कर सकता। आपके अनुसार प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है ऊंची आवाज में बोलकर, आपके विस्तृत ज्ञान से, श्रोता के स्तर को जानकर, सही उच्चारण प्रयोग से। तो देखिए, श्रोता के स्तर को जानकर आप सही संप्रेषण कर सकते हैं। अगर आपको यही नहीं पता कि श्रोता किस स्तर के हैं, उनका स्तर क्या है, तो आप उनके सामने कोई भी प्रभावी संप्रेषण नहीं कर सकते। तो श्रोता का स्तर मेन रोल इसमें अदा करता है। अकॉर्डिंग टू यू कैन इफेक्टिव कम्युनिकेशन बी पॉसिबल नोइंग द लेवल ऑफ लिसनर? सी। अगला प्रश्न है, छात्रों में श्रम के महत्व के विकास के लिए छात्रों को श्रमजीवी लोगों के उदाहरण देने चाहिए, शिक्षक को श्रम करना चाहिए, छात्रों को समय समय पर श्रम का अवसर देना चाहिए? तो देखिए, सबसे उपयुक्त आंसर यही है, क्योंकि छात्रों को यदि हम समय समय पर श्रम का अवसर देते हैं, उन्हें खुद को मेहनत करने का अवसर देते हैं, तो श्रम का महत्व वो अपने आप ही समझ जाएंगे। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ लेबर इन स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स शुड गिव अपॉर्चुनिटी ऑफ लेबर फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर उनको ये अवसर देना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में फ्रोबेल का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण योगदान था? तो आपको शायद पता होगा, किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति फ्रोबेल की देन थी। Was Frobel first significant contribution to the field of education, kindergarten education system? अगला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने के पांच चरण बताए थे? तो वो था हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने पांच चरण सीखने के बताए थे। Which psychologist had told the five stages of learning? तो हर्बर्ट स्पेंसर। आप अपने बच्चे का दाखिला ऐसे स्कूल में करवाना चाहेंगे जिसमें समर्थ व्यक्तियों के बच्चे पढ़ते हैं, कठोर अनुशासन होता है, अध्यापक अनुशासित होते हैं, बच्चे का सर्वोत्तमुखी विकास होता है। तो यही तो है, हम ऐसे स्थान पर बच्चे को एडमिट कराएंगे, ऐसे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन उसका करवाएंगे जहां बच्चे का हर क्षेत्र में विकास हो। इसी को तो सर्वोत्तमुखी विकास बोलते हैं, बेबीज बेस्ट डेवलपमेंट। वुड यू लाइक टू एनरोल योर चाइल्ड इन ए स्कूल इन विच बेबीज बेस्ट डेवलपमेंट? बच्चे में आपराधिक प्रवृत्ति प्रवेश का सर्व प्रमुख कारण क्या है? यानी कारण तो सभी लग रहे होंगे, तो इसमें देखिए, कुसमायोजन ये भी है, आवश्यकताओं की पूर्ति ना होना, हाँ इससे भी ये कारण बनता है, मानसिक मंदता, उपरोक्त सभी इसमें हमारा आंसर होगा। What is the main reason for admission of crime in a child? All of the above. D इसमें आंसर है। विद्यालय अनुशासन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही प्रतीत होता है? अनुशासन दंड का प्रतिफल है। ये बात तो गलत है कि अनुशासन जो है दंड इसीलिए दिया जाता है कि लोग अनुशासन में रहें।
9. अनुशासन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अंग है. यस, ये भी माना जा सकता है, लेकिन सर्वोत्तम क्या है जो सही प्रतीत होता है? अनुशासन एक सुधारात्मक प्रक्रिया है. ये बिल्कुल सही है. यानी अनुशासन का अर्थ है सुधार लाना, तो बच्चे में सुधार लाने के लिए इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है. तो सी इसमें हमारा आंसर है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्कूल डिसिप्लिन सीम्स डेफिनेटली करेक्ट? ऑल ऑफ द अबो. अगला क्वेश्चन है, जब छात्र अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का मौखिक या लिखित उत्तर देते हैं तो इससे पता चलता है, इससे छात्रों की कमजोरियों का पता चलता है, इससे उद्देश्य प्राप्ति करने में सहायता मिलती है, इससे बच्चे की जानने की इच्छा में वृद्धि होती है और उपरोक्त सभी. तो ये सभी बातें सही हैं, इसलिए हमारा आंसर डी होगा. व्हेन स्टूडेंट गिव वर्बल और रिटन आंसर टू क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द टीचर, देन डज दिस इंडिकेट, दिस शोज द वीकनेस ऑफ स्टूडेंट्स, दिस हेल्प्स इन अचीविंग पर्पज, दिस विल इंक्रीज द डिजायर टू नो द चाइल्ड, ऑल ऑफ द अबो. किसी सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कठिन परिश्रम, परिश्रम और धन, अच्छी शिक्षा, नेतृत्व. किसी भी सामूहिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नेतृत्व होना बहुत ही जरूरी है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर अचीविंग ए कलेक्टिव गोल? सामूहिक लक्ष्य यानी सबके हित में होने वाली बात, तो उसके लिए लीडरशिप जरूरी है. निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापक का सर्वोत्तम गुण है? अध्ययनशील होना. बार बार हम इसको बता चुके हैं कि अगर अध्यापक अपने विषय का ज्ञान रखता है, लगातार शोध करता है, अध्ययनशील रहता है, तो उसका ज्ञान बढ़ता रहेगा, नहीं तो ज्ञान स्थिर हो जाएगा. तो अध्यापक का सर्वोत्तम गुण अध्ययनशील होना है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टीचर्स बेस्ट क्वालिटी? स्टडियस. तो यही उसका सर्वोत्तम गुण होता है. नेता अपने समुदाय का होता है, क्या होता है? शोधक, प्रतिनिधि, स्वामी, उपरोक्त सभी. तो उपरोक्त सभी तो यहां है नहीं, लगभग स्टूडेंट्स इस पर निशान लगाएंगे, लेकिन नेता अपने समुदाय का प्रतिनिधि होता है क्योंकि वही उसको चुनते हैं, उसको इलेक्ट करते हैं, इसीलिए वो अपने समुदाय का प्रतिनिधि होता है. डज द लीडर बिलोंग टू हिज कम्युनिटी? शकिंग, रिप्रेजेंटेटिव, ओनर, ऑल ऑफ द अबव. तो रिप्रेजेंटेटिव वो होता है. शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्य चर्चा शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है? विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री. तो देखिए इसमें ए ही सबसे उपयुक्त है. विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है. व्हाट डज द टेक्स्ट डिस्कशन टर्मिनोलॉजी इंडिकेट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन? तो वो होता है स्कूल फुल प्रोग्राम इन विच स्टूडेंट गेट डेली एक्सपीरियंस. ए. अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कहा है कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है? तो ये बात कही है स्ट्रिंग ने, आपको याद रखना चाहिए, स्ट्रिंग ने ये बात कही है कि शिशु अपने व अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेड दैट मोस्ट ऑफ द थिंग्स अबाउट द चाइल्ड हिमसेल्फ एंड हिज वर्ल्ड लर्न थ्रू द मीडियम? तो ये स्ट्रिंग ने कहा है. निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन सकते हैं? अपने समवयस्क समूह के यानी अपने बराबर वाले समूह के सक्रिय सदस्य बन सकते हैं, तो वो होती है किशोरावस्था, एडोलसेंस. हमें याद रखना चाहिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कैन चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर ऑफ देयर कम्युनिटी ग्रुप? तो वो एडोलसेंस अवस्था होती है यानी किशोरावस्था. हमारा अगला क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ऐसा विचार किसने दिया था? तो आप सोच सकते हैं कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया विकास कभी ना
समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, तो इसका मतलब निरंतरता का सिद्धांत। विकास लगातार चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है, विकास हमेशा ही होता है। अगर आप मानव को देखते हैं या आप किसी इंस्टीट्यूशन को देखते हैं, तो क्या आरंभ में, इतिहास के आरंभ में क्या उसकी पोजीशन वही थी? नहीं, हर चीज का विकास होता है, इसलिए विकास कभी भी समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो विकास निरंतर चलता रहता है, इसलिए ऐसा विचार निरंतरता के सिद्धांत के द्वारा दिया गया। Who gave such an idea that development is a never ending process? Who gave such an idea that development is a never ending process? तो principle of continuity, तो A इसमें हमें हमारा answer प्राप्त होता है। तो students, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा ये video बहुत ही पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि अपलोड किए जाने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।